सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, मैं आज जिस कंपनी के बारे में कहने जा रहा हूँ वो इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनीज में नाम आता है, जिसके बारे में मैंने एनालिसिस किया है। चलिए, आज आपका ध्यान उस चीज़ पर आकर्षित करना चाहता हूँ जो प्रेजेंट और फ्यूचर के हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है इन द एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। हाँ दोस्तों, ये वो कंपनी है जो अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी ले लें, तब इसके वर्तमान स्थिति पर हमारा ध्यान हो। ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ था 1892 में कोलकाता वेस्ट बंगाल, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर सेटअप हुआ था 1892 में, 1892 में। और ये बिजनेस शुरू हुआ था 295 रुपीज़ से, केवल 295 रुपए से इस बिजनेस का सेटअप हुआ था इन 1892 में। और ग्रुप ऑफ बिजनेस पीपल जो थे इसमें, वे लोग जस्ट एक छोटे से घर से, वहाँ से ये बिजनेस शुरू किया गया था। छोटा एक, जैसे कहेंगे कि हम छोटे बिस्किट को एक रूप देना कि कुछ खाने पीने का वस्तु बनाया जाए, तो 1892 में पहली बार कुछ बिस्किट का विषय बनाने का विषय बनाया गया था और वो नाम रखा गया था ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री का सेटअप 1892 में हुआ, और उसके बाद जब ये बिजनेस धीरे धीरे पूर्ण रूप से बढ़ने लगा तो इसमें 1910 और 15 के आसपास इसमें बहुत ज़ोरदार प्रगति हुई। और आज दुनिया के 60 कंट्रीज में, 60 कंट्रीज से भी ज़्यादा यहाँ पर इनका बिजनेस का कारोबार चल रहा है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का। और बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज में इनका बिजनेस चल रहा है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है जहाँ तक ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की बात है। चलिए, अब हम वर्तमान में आ जाते हैं, इसका जो मैंने विश्लेषण किया है उस पर आपका विशेष ध्यान हो। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का आज का क्लोजिंग प्राइस है 3041, 11 दिसंबर 2019 के अनुसार। और इसका मार्केट कैप देखिए, मार्केट कैप 73,126.41 करोड़। और इक्विटी कैपिटल देखिए इसका, जस्ट 24.3 करोड़। इतना कम इक्विटी कैपिटल है तभी इसकी कीमत भी बड़ा तेज रूप में है। और खास करके इस जब प्राइस की बात आती है, मैं पहले आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की बताने जा रहा हूँ अभी। ये इंडिया का सबसे महंगा शेयर है एफएमसीजी में। आप बोलेंगे कैसे सर, ऐसे तो नेस्ले इंडिया दिख रहा है, 14,000 का भाव चल रहा है, लेकिन इससे भी महंगा है ब्रिटानिया इंडस्ट्री। क्योंकि नेस्ले इंडिया का भाव 14,000 है, 10 रुपया फेस वैल्यू है, और इसका फेस वैल्यू 1 रुपया है, और 1 रुपया फेस वैल्यू की कीमत चल रहा है आज 3,041 रुपया। तो 10 रुपया फेस वैल्यू होता तो क्या भाव होता, 30,000 रुपया। अगर आज इसका भाव, अगर आज ये फेस वैल्यू 10 रुपया होता इसका, तो आज इसका भाव होता 30,400 रुपये। ये वर्तमान स्थिति की बात कर रहा हूँ, अभी तो इसका फेस वैल्यू 1 रुपया है, उस हिसाब से बहुत महंगा शेयर है ये, उस टर्म में मैंने कहा। और ध्यान देते हैं, ROC 44.31% है और ROE 30.25%, जो एक प्रगतिशील रूप तो दिखा रहा है। खास करके ये अभी हम पिछला छः महीने का रूप स्वरूप देखें इसका, 6 मंथ में ये सबसे लो हुआ था 21 अगस्त के दिन, 21 अगस्त 2019 के दिन इसका भाव हुआ था 2,300। और ये इसलिए हुआ था कि कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गया था कंपनी के डायरेक्टर से रिलेटेड, जो फॉरेन कंट्री में कुछ नेगेटिव बातें हो गई थी, जिसके कारण इसका भाव काफ़ी धीरे 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 काफ़ी नीचे आ गया था। और वो सबसे निम्न रूप हुआ था उस दिन, वो भाव था 2,300 का। बस वहाँ से जो इसने रफ्तार पकड़ा, वो धीरे 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 और बहुत तेजी में इसने भाव टच किया, एग्जैक्टली 23 सितंबर 2019 के दिन, जिस दिन इसका भाव हुआ था 3,583। बस वहाँ हैवी प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हुआ और वहाँ से भाव फिर नीचे। और अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये भाव नीचे आने के पीछे भी एक कारण
छिपा हुआ है जो आपके सामने है, वो FIs की जो होल्डिंग थी पहले, जस्ट FIs की जो होल्डिंग थी वो एग्जैक्टली 16.29% से 15.7% हो गया। इसके कारण यहाँ पर इनका भाव थोड़ा नीचे हुआ है। वास्तविक रूप से परसेंटेज में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा कम होने से थोड़ा सा इसका भाव और रूप स्लो जोन में चल रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि इसमें कब हम एंटर होएं या कब हमें ये शेयर लेना चाहिए या इसके बारे में क्या करना चाहिए। दोस्तों, जिनके पास पहले से ये शेयर है ये तो अच्छी बात है, तो उन्हें तो होल्डिंग ही करना चाहिए, ये शेयर होल्ड में हो तो ज़्यादा बेहतर है। और ख़ास करके इसका बुलिश रूप अगर मार्केट में आएगा वो उस दिन होगा जब 3300 प्लस चलेगा इसका भाव। जिस दिन ये 3300 प्लस हुआ उस दिन ये इसका एग्जैक्टली बुलिश जोन में आ जाएगा, जो वो पूर्ण रूप से आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। ये भाव रूप स्वरूप होगा जब 3300 के ऊपर चलेगा। और बेरिश जोन की बात, जब मार्केट बहुत नेगेटिव होगा तो जैसे हमने देखा है 2300 के नीचे हुआ तो बेरिश जोन में आ सकता है शेयर, लेकिन वो तब की बात है जब कोई नेगेटिव न्यूज़ कंपनी के बारे में हो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जा रहा है कि अभी ये शेयर कंसोलिडेट हो रहा है एक लेवल पर 3050, 60, 70, तो जिसमें लोग मतलब, और महीना दिसंबर का चल रहा है तो इसमें ज़्यादातर FMCG के जितने स्टॉक है एक लेवल पर ही चलकर वहीं सीमित हो रहे हैं। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण इसके भाव में वो ऊंचाई नहीं आ रही है जितना आना चाहिए। बाकी तो समय के साथ साथ जब हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो इसमें एक बुलिश रूप आ सकता है आने वाले दिनों में या महीनों में। तो दोस्तों, बस मुझे इतना ही कहना था आज आपकी जानकारी के लिए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के बारे में। और बस यही कहना है कि हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस चल रहा है, जो अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ मेंबरशिप के बारे में भी कोई जानकारी लेना है तो व्हाट्सएप में मेरा नंबर आपके सामने ही है, उसमें आप मैसेज करके उसके बारे में डिटेल ले सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं।